सो हेलो एवरीवन, आज है एपिसोड 3। सो हम लोग जा रहे हैं अब कुल्लू से सिसु वाया मनाली। सो कुल्लू को आज हम कर रहे हैं टाटा बाबा, और ये तो भाई अपने बैग वैग रख रही हैं। हेलो कर दो सबको। हेलो, और बाय भी साथ में भाई भी। तो हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं यार इस व्यू को। व्यू बहुत अच्छा था अभी के लिए, तो सिया अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी कार में चेकआउट कर दिए। सो गाइस, हम लोग रुके हैं ब्यास नदी के पास, तो चाय हमने ऑर्डर की है, और यहाँ इतना मज़ा आ रहा है ना बैठ के इस टाइम, और धूप निकली हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस, हम ना अभी मनाली और सोलांग वैली हाईवे पर हैं। सो अभी ना जब आप मनाली से निकलोगे ना, तो आपको रास्ते में ना ये जगह दिखेगी। ये मनाली से आ रहा है रास्ता इधर, है ना, और ये जा रहा है सोलांग वैली। सो यहाँ जगह है नेहरू कुंड, अगर आप वहाँ देखोगे ना, वहाँ झरने का पानी आता है। फ्रेश पानी आता है वहाँ झरने का, और अगर आप लोग थोड़ा फ्रेश वाटर पीना चाहते हो ना, ये बिस्लेरी वगैरह से भी अच्छा होता है। झरने का आता है ऊपर पहाड़ों से, ऊपर इधर से कहीं से ऊपर से झरने का आता है। सो अगर आप आ रहे हो ना, तो आप इधर सोलांग वैली की तरफ, तो आप अपनी बॉटल्स ना खाली लेके आया करो, और यहाँ से भरो और इस पानी को पी के देखना। इसको बहुत अच्छा, बहुत प्योर और बहुत अच्छा टेस्ट भी, बहुत प्यारा सा टेस्ट है इसका, बहुत प्योर सा टेस्ट है। ठीक है, तो हम चलते हैं बाकी। तो गाइस अभी हो रहे हैं 1:11, और अटल टनल के पीछे जाम लगा हुआ है बहुत। स्नो पॉइंट एक्चुअली सिसु वगैरह में ही है ना, एक घंटा ना लग जाए यहाँ से निकलने को। वैसे तो बहुत लंबा जाम लग रहा है मुझे, देखो कहाँ तक जाम है, ये बहुत लंबा जाम है। और ये लोग केसर वगैरह बेचते हैं, मुझे तो नकली लगते हैं ये। केसर मिल जाते थे आसानी से, ओरिजिनल केसर। मुझे तो लगता है कि ये लोग ना नकली बेचते हैं यार, पर ना लोग खरीदते हैं, क्योंकि पहाड़ों में ना लोग ना ये सोचते हैं कि शायद असली हो, तो इसलिए लोग ले लेते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे तो नहीं अच्छी लगती, लगता डुप्लीकेट है ये। ये देख लो यार, ये हाल है लोकल्स का ना, ये आप देख रहे हो टैक्सियां, ये सारी, ये जो लाइन है ये लाइन लगी हुई है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, लाइन सारी लाइन ठीक लगी हुई है, और ये सेकंड लाइन लग गई है यहाँ पे। ये सब लोकल्स लगवा रहे हैं, एक टैक्सी को देख के और लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं उनके। नहीं है यार, एक सेकंड का भी सब्र नहीं है, एक सेकंड का भी लोगों को, तो बीच में घुसा दो। सो गाइस, जब आप एंटर करोगे ना सिसु, तो आपको ना एंट्री फीस लगेगी ना। एंट्री फीस अभी मैं बता देता हूँ, कार की है 200 रुपीस। गाइस अपनी गाड़ी क्रेटा है, तो अपने 300 रुपीस कटे हैं। यहाँ पे भी स्नो पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी, साइड में गिरी हुई है स्नो, सामने तो ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम लोग।
कैसी है ठंड। सो गाइस, अभी हम लोग अपने लिए होम स्टे ढूंढ रहे थे। बहुत हेक्टिक हो गया यार, और बहुत ज़्यादा मतलब 2 घंटे हो गए राउंड हम ढूंढ रहे हैं अपने लिए। सो अभी हमको ना एक होम स्टे मिला है। ये रूम है, ठीक है, और ज़रा मैं आपको ना व्यू दिखा दूँ। सो गाइस, ये होम स्टे के रूम्स हैं जो हमने बुक किए, और बहुत ही कोजी है। बाहर आप व्यू देख सकते हो, और ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर ठंड लग रही है। अंदर टेम्परेचर अंदर का बाहर से बहुत ही बढ़िया है, मतलब गर्म है, और हीटर भी है हमारे पास, और ये शीशा और कारपेट, और बहुत ही सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत पीसफुल माहौल है। बस ये बात है कि आपको ना होम स्टेज में टीवी नहीं मिलेंगे। आपको एंटरटेनर करना है तो आपको खुद का, जैसे मैं यहाँ लैपटॉप लेके आया हूँ, मैं अपने लैपटॉप में सारे नेटफ्लिक्स वगैरह देख लेता हूँ, और बाहर से अपना होम स्टे कुछ ऐसा है। सो गाइस, आज day 3 और episode 3 को यहीं एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आप बोलोगे कुछ? बहुत ठंडा है भाई, ठंडा बहुत दिख रही है। सो ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, episode 4 में। सो तब के लिए टाटा, बाय बाय।